न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स। बढ़ते हैं खरगोन बड़वानी जिले की प्रमुख खबरों की ओर। देश का नौजवान और किसान जब भी आंदोलन पर उतरा है, तब तब सत्ता का परिवर्तन हुआ है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर खरगोन के कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने भाजपा के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसे लेकर भाजपा के मंत्री और सांसद कह रहे हैं कि किसान आंदोलन कांग्रेस करा रही है। इस पर उन्होंने कहा कि जब भी इस देश का नौजवान और किसान आंदोलन पर उतारू हुआ है, तब सत्ता का परिवर्तन हुआ है। इस देश के किसानों के साथ 3 कानून लाकर किसानों की कमर तोड़ी जा रही है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं खरगोन से कांग्रेस के विधायक रवि जोशी। हिंदुस्तान में जब जब दो क्रांतियाँ प्रमुख है, जब इस देश का नौजवान और इस देश का किसान कोई आंदोलन को उतारू हो जाता है, तो देश में सत्ताओं का परिवर्तन हो जाया करता है। और इस देश के किसानों के साथ 3 कानून लाकर जो किसानों की कमर तोड़ने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है, उसके विरोध में देश भर का, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक का, चारों देश के चारों कोने से किसान दिल्ली पहुँच रहा है। किसान आंदोलन पर उतारू हो चुका है। आज 21वें 22वें दिन में उनका आंदोलन प्रवेश कर चुका है। किसान जाग चुका है। किसान किसी झूठे भुलावे में आना नहीं चाहता है। किसान अपना अधिकार मांग रहा है। किसान MSP मांग रहा है। किसान अपनी फसल की सुरक्षा मांग रहा है। किसानों का आंदोलन देश में एक नई जागृति पैदा कर रहा है। 100वें किसानों को जगाने का काम कर रहा है। देश के आखिरी छोटे से छोटा किसान भी इस वक्त आंदोलन के लिए तैयारी कर रहा है कि उसका अधिकार मिला, उसका हक मिला। भारतीय जनता पार्टी की, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, किसान आंदोलन का स्वरूप बदल के वो अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जगह जगह खड़ा करके आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि देश में किसान आंदोलन, जब तक केंद्र सरकार उन बिलों को वापस नहीं लेगी, आंदोलन खत्म नहीं है। भाई, दूसरी खबर खरगोन जिले के कसरावत के ग्राम दुर्गापुर से, जहां करंट लगने से एक बैल की मौत हो गई है और एक बैल गंभीर रूप से घायल हो गया है। किसान ने लगाया विद्युत मंडल पर लापरवाही का आरोप। कसरावत के ग्राम दुर्गापुर निवासी राकेश पिता छोगालाल यादव निवासी दुर्गापुर के 2 बैलों को करंट लग गया, जिससे एक बैल की मौके पर ही मौत हो गई, वही एक बैल गंभीर रूप से घायल हो गया। किसान ने बताया कि LT लाइन का तार टूटने की वजह से यह हादसा हुआ है, जिसकी सूचना एक दिन पूर्व विद्युत मंडल सहित लाइनमैन को दे दी गई थी, जिसके बाद भी उक्त मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। बता दें कि किसान सहित अन्य ग्रामीणों ने घटनास्थल के मौके पर पहुंचकर विद्युत मंडल सहित लाइनमैन के खिलाफ नारेबाजी भी की, वहीं पुलिस को शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। प्रदेश के 35 लाख से अधिक किसानों को खरीफ फसल क्षति के 1600 करोड़ की राहत राशि किसानों के खातों में जमा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पानसेमल सहित बड़वानी जिले के 158 किसानों के खाते में 8,40,906 रुपये की राशि अंतरित की। जिले में यह कार्यक्रम 7 विकास खंडों, 9 तहसीलों तथा 416 ग्राम पंचायतों में आयोजित किया गया। वहीं बड़वानी में लगे क्राफ्ट मेले में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल, कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने भाग लिया। इस अवसर पर आजीविका मिशन के माध्यम से लगे क्राफ्ट मेले में महिलाओं द्वारा उत्पादित गृह उपयोगी सामग्रियों का निरीक्षण कर उनकी क्वालिटी और गुणवत्ता देख अतिथियों ने उनकी प्रशंसा की। बड़वानी जिले में आज 17 और व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। बड़वानी जिले में अब कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़कर 2578 हो चुकी है। इनमें से 2432 लोग उपचार के पश्चात अपने घरों को वापस जा चुके हैं। 124 लोगों का उपचार जारी है और बड़वानी जिले में अभी तक कुल 22 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। आज जिन 17 व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनमें बड़वानी, फतेहपुर, धनोरा, बड़गांव, हतोला, ठिकरी, राजपुर, सेंधवा, पलसुद और अंजड़ के लोग सम्मिलित हैं। वहीं खरगोन जिले में कोरोना वायरस नियंत्रित नहीं हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 25 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुए हैं। बता दें कि खरगोन जिले में अब तक कुल 4,735 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं आज 16 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। अब घर लौटने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4483 हो चुकी है। वहीं खरगोन जिले में अब तक कुल 86 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है तथा 166 मरीज स्थिर है। खरगोन से वाहिद खान, कसरावत से अबरार पठान और पानसेमल से विशाल भावसार की रिपोर्ट।